सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। यूं तो बॉडी बिल्डिंग हर युवा की हसरत होती है, लेकिन जब हसरत जुनून बन जाए और शौक जज्बे में तब्दील हो जाए तब मेहनत रंग लाती है। एक ऐसे ही नौजवान से आज हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और एक तरीके से अपनी मेहनत के दम पर वो अपनी पहचान बना रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आशीष दहिया। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचएन न्यूज। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू बोलना चाहूंगा MH1 को, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, अपने स्टूडियो में बुलाया इंटरव्यू के लिए। आशीष, सबसे पहले बात करें तो आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब आपको लगा कि आपको बॉडी बिल्डिंग में इस एज में अपना करियर बनाना है? ये एक्चुअली स्पोर्ट्स में मैं स्टार्टिंग से था, स्कूल टाइम से था, बट मुझे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्रिकेट या पहले क्रिकेट में था, क्रिकेट में घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। आफ्टर दैट जिमिंग जाना शुरू हुआ, मैं जिम जाके मैंने देखा लोगों को और देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो मैं जाता था वहाँ पे जिम में, अपना वर्कआउट स्टार्ट किया मैंने। तो मैंने अपने सीनियर्स को देखा, सीनियर्स के पीछे लोग लाइन लगा के भाग रहे थे, अरे क्या बॉडी है, ऐसे वैसे उनकी तारीफ बहुत कर रहे थे। तो मैंने उस वक्त सोचा कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। 2012 के बाद मैंने अपने आप को इस लाइन में ले जाने के लिए सेट किया कि मुझे इस लाइन में जाना है। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, 2012 से मैंने जर्नी शुरू करी अपनी बॉडी बिल्डिंग की। 2014 में मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया था, जहां पर सिर्फ मैं 10 सेकंड में ही मुझे जज ने बोल दिया था कि नेक्स्ट ईयर आइएगा आप, इस साल आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। सो मैं स्टेज से उतर गया। मैंने उसके बाद फिर से अपना प्रिपरेशन चालू किया। 2015 में मुझे इंजरी हो गया। तो अच्छा, ये जब आपने 2012 में ये सोच लिया कि अब इसको सीरियसली एज ए करियर बनाना है, तो हर्डल क्या थे, क्या दिक्कतें क्या लग रही थी? दिक्कतें ये लग रही थी, एक तो कोई गाइड करने वाला नहीं था अच्छे से, जिसको भी बोलो वो सबसे पहले तो हाँ हम कर देंगे आपको, 2 महीने में ऐसा बना देंगे, कोई फेथफुल कमिटमेंट नहीं कर रहा था मुझे। और इस इंडस्ट्री में फेथफुल कमिटमेंट लिमिटेड लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि जो मेरा टारगेट था उसको 2 महीने में अचीव मुझे पता कि मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकता था। तो सामने वाला बंदा बोल रहा है 2 महीने में, तो इट्स मीन उसकी कमिटमेंट ही फेथफुल नहीं है, तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। तो 1 साल तक 2 साल तक मैं कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिला। पीरियड, हाँ स्ट्रगल पीरियड रहा, कभी ग्रो ही नहीं कर पाया मैं बॉडी को। तो लोगों ने बोला, काफी लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे कि यार रहने दे, क्यों टाइम खराब कर रहा है, पैसे खराब कर रहा है, छोड़ दे, इतनी मेहनत से कमाता और सारा बॉडी पे लगा देता है। तो बड़ा डिफिकल्ट था लोगों को जवाब देना। तो मन के अंदर ये आ गया था जब तक 2 साल में कि नहीं अब करना है, अब इतना कुछ कर चुका तो अब करना है और लोगों को बताना कि नहीं यार करो तो होता है, करो तो होता है। पहली सक्सेस कब मिली? पहली सक्सेस मुझे मिली 2016 में। 2016 में नॉर्थ इंडिया खेला था, नॉर्थ इंडिया में मेरी 3rd प्लेस आई थी, तालकटोरा स्टेडियम में था वो IBBF का। आफ्टर दैट मैं उसके बाद मिस्टर दिल्ली में मैंने गोल्ड मेडल मारा। आफ्टर दैट मैं ऑस्ट्रेलिया गया ब्रिस्बेन में, कॉमनवेल्थ प्रो AM में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ब्रिस्बेन में थी, जहां मुझे खुद को नहीं पता कि मैं शायद जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, बट मैंने अपना पूरा हार्ड वर्क किया एंड मैं गया एंड खेला। तो लेकिन वर्ल्ड के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। जब मैंने फ्लैग लिया इंडिया का, उस वक्त ना चाहते हुए भी इतना इमोशन बह गए थे मेरे की आंखों में आंसू आ गए थे। सो बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो। ये जिस तरीके से हम देखते हैं जो बॉडी बिल्डिंग है, इसमें जो कंपटीशन जिस लेवल का अब आ चुका है, क्योंकि अवेयरनेस हो गई है इसको लेकर, और वर्ल्ड में भी हम देखते हैं जिस तरह से आगे लोग आ रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, आगे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत टफ होता जा रहा है डे बाई डे। इवन मिस्टर डेली में भी अगर एक कोई भी चैंपियनशिप होती है, उसमें इतने अच्छे लड़के आ रहे हैं, आज की यंग जनरेशन इतनी अच्छी आ रही है, बट कुछ जो हारते हैं कुछ गिव अप कर देते हैं, कि उनको होता है कि फर्स्ट टाइम ही हमें मेडल चाहिए, अगर आगे तो ठीक है, अदरवाइज वो मूव ऑन कर जाते हैं और कुछ आगे निकल जाते हैं। जो आगे निकल जाते हैं उनको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, बट ये है कि कॉम्पिटिशन बहुत हो गया बॉडी बिल्डिंग के अंदर, बहुत ही ज्यादा हो गए। एक जब इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से जब आते हैं तो एक सोच होती है कि बॉडी बिल्डिंग एज ए करियर, ये समझाने बड़ा मुश्किल होता है घर वालों को? बहुत समझाना मुश्किल होता है, बिकॉज बॉडी पहले तो उस स्टेज तक जाना कि लोग आपके पास आए,
उसके लिए आपको अपने ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करना होता है कि वो आपकी बजट से बहुत बाहर होता है। आपको क्या लगता है एक अच्छे एथलीट को मिनिमम पर मंथ 80 to 90 thousand चाहिए ही चाहिए, जिसमें कि 30 thousand डाइट का हो गया मेंटेन करने के लिए, पूरा जो भी है डाइट है, आपका फूड सप्लीमेंट्स है, या आपकी कोच की फीस है, या आपकी जिम की फीस है, A to Z मिनिमम 70 thousand का होता है महीने। अब एक यंग जनरेशन का बच्चा जो कि कमा नहीं रहा है, उसके लिए 70 thousand मैनेज करना बहुत बहुत, बहुत मतलब बड़ा चैलेंज है। और घर वाले सपोर्ट क्यों करें, मिडिल क्लास का फैमिली कैसे सपोर्ट कर सकता है 70 thousand, वो कहां से प्रोवाइड कराएगा। अब उसमें इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि ये चैंपियन बनेगा तो ये अर्न करेगा, और चैंपियन नहीं भी बनता है तो उसकी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए, उसके पास हुनर ऐसा होना चाहिए कि वो जिसको भी ट्रेन करता है उसके रिजल्ट उसके अंदर दिखने चाहिए, तो वो कमा सकता है। बॉडी बनाने हाँ। वाला डराएगा, ये भी तो फीलिंग रहती है ना कि हाँ। ये थोड़ा दूसरे काम करता होगा। हाँ हाँ ये तो बहुत मतलब फेमस है, बॉडी बिल्डर है तो नहीं 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 उसको ये नहीं देना, उसको वो नहीं देना, दूर हो जाते हैं लोग, पर ऐसा नहीं है। लोग ये भी तो कहते हैं ना पहलवान दिमाग है, इससे कौन बात करे। हाँ सभी बोलते हैं कि ये तो पहलवान है, वो बोलते हैं ना इसकी तो बुद्धि खत्म हो गई होगी लोहा उठा उठा के। आगे के लिए क्या टारगेट सेट किए हैं, क्या जहन में है, क्या करना है, छोटे छोटे गोल हैं, बड़े एम हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है? जो मेरा जो मेन गोल है, अभी मैं WFF से पार्टिसिपेट करता हूं, बट मेरा जो मेरा ड्रीम है वो मेरा IFBB का ओलंपिया है जो होता है इंडिया से बाहर होता है, इंडिया में कभी नहीं हो सकता वो, तो उसमें मैं क्लासिक फिजिक में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा ड्रीम है। जिस दिन मैं वहां पहुंचूंगा वहां मुझे लगेगा कि हाँ जो मैंने सोचा था वो मुझे मिल गया, और जो जिस दिन मैं वहां पे खड़ा होऊंगा तो उस दिन सिर्फ आशीष ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई और नहीं पहुंच सकता, पहुंच बहुत सकते हैं, बट अभी तक कोई नहीं गया। अगर देखते हैं ऊपर वाले की थोड़ी मेहर रही तो आई एम द फर्स्ट एथलीट जो वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। आइडल रहते हैं कोई कि उसके जैसा बनना है? आइडल तो मेरा वैसे मैंने कभी आइडल बनाया नहीं किसी को, मुझे मेरे जैसा ही बनना है, अपने आप से कम्पीट करना है। हाँ मैं अपने आप को ही देखता हूँ, मैं कभी दूसरे को, सबका अपना हार्ड वर्क होता है, सबकी अपनी वो होती है, मैं कभी मैंने किसी को सीरियसली मैंने कभी किसी को आइडल नहीं बनाया, मैंने बस अपने आप को देखा, ये नहीं देखा कि मुझे उसके जैसा होना है, इवन मैं ये तक नहीं देखता कॉम्पिटिशन में मेरे बगल में कौन खड़ा है, मैं बस अपना 100% देता हूँ, बाकी जज बैठे होते हैं जज करते हैं, बट आइडल नहीं बनाया। ये जो आपकी पूरी जर्नी है अब तक, क्या कभी कोई ऐसा टाइम आया जब ये लगा कि नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा मुश्किल वक्त? हाँ 2015 की बात है, आफ्टर दिल्ली जब मैं जीत नहीं पाया था तो मुझे स्पाइन इंजरी हुआ था, देन मैं स्पाइन इंजरी होने के बाद मुझे डॉक्टरों ने मुझे साफ मना कर दिया था कि अगर आपने अब वर्कआउट किया तो आपको पैरालाइज हो सकता है, तो मैं नहीं माना। फिर मैं वसंत कुंज में एक बहुत बड़ा स्पाइन इंजरी एक हॉस्पिटल बहुत बड़ा, मैं वहां के सबसे सीनियर डॉक्टर से मिला, उसने मुझे साफ बोला कि आप ऑपरेट करा लो, तो मैंने उसको बोला कि मैं ऑपरेट कराता हूँ, देन आफ्टर डैट क्या मैं वर्कआउट कर पाऊंगा, उन्होंने बोल दिया नहीं, अगर आप फिर भी नहीं मानोगे तो आपको व्हील चेयर पर चलना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा हुआ था कि टूट गया था कि या क्या हुआ, कि ड्रीम ही खत्म हो गया, मैंने क्या सोचा था और ये क्या कैसे हो गया। पर कुछ टाइम बाद मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो मुझे एक हमारे हमारी बॉडी बिल्डिंग की एक प्लेयर है तो मैंने उनको देखा, उनको स्पाइन का ही प्रॉब्लम था लेकिन वो ठीक ठाक चलते हुए जा रहे थे, तो मुझे देखा ये इंसान अगर ठीक हो सकता तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। तो मैंने उनसे जाके पूछा भी कि आप कैसे मतलब कैसे रिकवर किया, उन्होंने बताया मुझे, सीनियर है काफी, तो मैंने फिर सोचा कि जब कोई भी ठीक हो सकता, तो इवन प्रॉब्लम आज भी होता है बट थोड़ा सा मैं बॉडी को क्योर लेके चलता हूँ कि नहीं मुझे इंजरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा क्योर करके चलता हूँ अपने आप को। तो वो मेरा टाइम बहुत ही मतलब डिप्रेशन वाला टाइम था, 6 to 7 months मेरे को अभी तक याद है, मैं जिम भी नहीं गया था, घर भी होता था। दिल्ली के रहने वाले आशीष ने कड़ी मेहनत और लगन से ये खास मुकाम हासिल किया है। आशीष अब तक आप इतने कई टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, कंपटीशन आपने बताया बहुत टफ होता जा रहा है, तो उस लिहाज से भी तैयारी आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, उस हिसाब से तैयारी और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है, थोड़ा सा टफ होता जा रहा है सब कुछ, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ा है, प्लेयर बढ़े हैं, खुद को भी बड़ा करना है तो बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, डाइट एंड कितना घंटा सोना है, कितने घंटे वर्कआउट करना है, एक एक चीज मैटर करती है। इवन अगर आप अपनी नींद के साथ भी कंप्रोमाइज करते हैं तो भी वो आपको दिक्कत देता है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से वक्त बदल रहा है, अब टाइम सोशल मीडिया का है, तो वहां पर भी अपनी प्रेजेंस बना के रखना ताकि लोगों को पता लगे ऐसी कोई पर्सनैलिटी है, उसको लेकर भी आप कुछ काम करते हैं? हाँ सोशल मीडिया पे मैं हर जगह एक्टिव रहता हूँ, मेरा कुछ भी है, जैसे सपोज कल मेरा कोई इवेंट था तो सोशल मीडिया पे चल रहा था, मेरे तो चल ही रहा था, जो मुझे को मुझे पसंद करते हैं मेरे लोग उनके सोशल मीडिया पे भी चल रहा था। तो अभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी
मॉडलिंग के लिए, किसी फिल्म के लिए कोई कोई कहीं से कोई ऑफर या कॉल? हाँ, अभी जस्ट कल रात को ही आया है साउथ से कि अच्छा। सर मूवी में काम करोगे, एक विलेन का रोल है हमारे पास। तो अभी मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने मेरे कहा क्योंकि विलन का रोल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं अच्छा है, विलन का रोल हो या हीरो का रोल हो, लोग तो जानेंगे ना उसमें लोग क्या। जानेंगे। वैसे भी थोड़ा विलन जैसा ही लगता हूँ, ऐसा लोगों का बोलना है, तो मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है विलन का रोल करने में। तो उनको देखता हूँ, अभी डाटा भेजूंगा क्या रिप्लाई करते हैं देन। हाँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि अगर इधर से भी आए तो ठीक ही है, बहुत अच्छी बात हाँ, है, बहुत नथिंग अच्छी लाइक बात इट। है। इंसान अगर अगर मैं अपने आप को ग्रो, एक्चुअली क्या है कि बॉडी बिल्डिंग मेरा जुनून है, सिंपल सी बात है। मैं इसमें अपना नाम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं और अगर इसके साथ साथ मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उसको ग्रैब करूंगा, उसको जाने नहीं दूंगा। लेकिन उसके लिए मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ूंगा, बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं किसी भी चीज को छोड़ सकता हूँ, ये सब जानते हैं जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? कितना टाइम जिम में बिताते हैं, कितना वर्कआउट करते हैं? एक्चुअली जिम में तो अप्रोक्स मैं डेली 12 घंटे बिताते ही बिताता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई हैव माई ओन जिम, दैट्स वाई अच्छा। मेरा ज़्यादातर टाइम जिम में ही स्पेंड होता है। अदरवाइज वर्कआउट मेरा 1 घंटा मॉर्निंग होता है और 1.5 से 2 घंटा इवनिंग में होता है। सीक्रेट आपको बताने हैं नहीं, लेकिन अगर जो लोग आपको देख रहे हैं वो जानना चाहें अगर आपकी डाइट क्या है तो? डाइट तो सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं है डाइट का, तो बस मैं यही बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाना खाइए, जिसमें आजकल देखते हैं जंक फूड को अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए और नॉर्मल हेल्दी डाइट खाइए। एक बात कही जाती है कि थोड़ी थोड़ी देर में खाइए, ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल, मैं जैसे 6 मील डे लेता हूँ, जब मेरी प्रिपरेशन पास आती है तो मैं उसको 7 कर देता हूँ, जब मैं ऑफ सीजन में होता हूँ तो ओनली 3 मील डे लेता हूँ उसमें। लेकिन वो फिर मैं, जनरली इंडियंस 3 मील या 4 मील हाँ वो खाते फिर हैं। जब पता है कि अभी मेरी कोई प्रिपरेशन, मतलब मेरा कॉम्पिटिशन नहीं आ रहा, मुझे अभी प्रिपरेशन नहीं करनी, तो मैं वो घर वाला ही खाना खाता हूँ नॉर्मल, सुबह नाश्ता, आफ्टरनून में लंच एंड शाम को डिनर, दैट्स इट। और जब प्रिपरेशन की तैयारी होती है तो 6 से 7 मील हो जाते हैं। आपने इंटरनेशनली भी जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट भी किया और मेडल भी हासिल किया है। जो दूसरे पहलवान हैं, दूसरे देशों के जो एथलीट हैं, उनमें और हमारे में बुनियादी फर्क क्या दिखता है आपको? बुनियादी फर्क तो ये तो मैं बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बताना, क्योंकि मैं गया था खेलने, मैं किसी से ज़्यादा बात बात नहीं की जो मेरी कैटेगरी में, तो बस उनसे सिर्फ इतनी बात हो पाई थी कि हाय, उन वो बस यही पूछा था कि आप किस कैटेगरी में हो। आप जब 50 एथलीट एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे को ये देख रहे होते हैं कि ये किसके साथ खेलने वाला है, ये किसके साथ खेलने वाला है, ये किसके साथ, क्योंकि हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, मुझे मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा, बस उस वक्त सिर्फ दिमाग में यही चल रहा होता है। बट ये है कि बाहर का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, उनकी डाइट, उनके सप्लीमेंट्स थोड़े ज़्यादा एडवांस होते हैं। वो कहते हैं ना अपने इंडिया में थोड़ा सा मिक्सिंग वाला थोड़ा सा डर लगता है यहाँ से लोगों को लेते वक्त, तो ये थोड़ा सा फर्क रहता है। उनको चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, ऐसी बात नहीं हमारे इंडिया में कोच अच्छे नहीं, हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे कोच हैं जिनको बहुत नॉलेज है। हमारे सुनील जी हैं, काफ़ी नाम है उनका, काफ़ी अवेयरनेस इंडिया में बढ़ गई है इस तरह के गेम्स को ज़्यादा, लेकर, क्योंकि पहले के मुकाबले अब इतने प्लेयर सामने आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है। अब आप देख रहे हो कि पहले तो कुछ मिलता भी नहीं था कॉम्पिटिशन्स में, कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ एक जस्ट एक बैग दे दिया या कुछ एक ट्रॉफी आ गई। ट्रॉफी आ गई, एक मेडल आ गया, दैट्स इट। बट अब कैश प्राइज, अब सपोज हमारा नेशनल होता, नेशनल मीट 7 से 10 लाख रुपीज़ कैश इनाम मिलता, जो ओवरऑल टाइटल जीतता है। एंड इवन कोई बाहर जाता है, अगर बाहर जो जैसे सपोज मैं गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, मैं वहाँ पर जीता, मुझे कैश नहीं मिला, बट यहाँ पर आके मुझे काफ़ी कुछ मिला, नाम हुआ सोशल मीडिया पर और ब्रांड्स ने टाई अप किया कि हम आपका देखेंगे आगे का, जो कुछ आप खेलिए हमारी तरफ से खेलिए, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इंडिया में कैश तो काफ़ी मिल ही रहा है, हर कॉम्पिटिशन में कुछ ना कुछ कैश प्राइज ज़रूर होता है, पहले नहीं होता था। आज से 3 साल पहले अगर आप जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं था, लोग कहते थे, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से इसलिए चले गए, उन्हें लगता था कि हम 2 से 3 लाख रुपये 3 मंथ्स में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में क्या मिलता है, एक बैग, एक मेडल, दैट्स इट, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं। एक चीज बार बार एथलीट्स की ओर से कही जाती है कि अभी भी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उनको जिस तरह एथलीट्स को स्पॉन्सर करना चाहिए जैसे दूसरी कंट्रीज में है, ऐसा अभी उस लेवल पर नहीं हो रहा है। लोग डरते हैं एक्चुअली स्पॉन्सर करने से, ऐसी बात नहीं है नहीं करते, कॉपरेट वर्क करते हैं, बट वो लिमिटेड लोग ही हैं जो इंडिया के माने जाने 2-4 नाम हैं, सिर्फ उनको ही स्पॉन्सर करते हैं। जो यंग जनरेशन है जो आ रही है, उनको थोड़ा डाउट रहता है कि ये पता नहीं लंबी रेस का घोड़ा है या नहीं है, इसके ऊपर दाव लगाना चाहिए नहीं लगा, ये डिफरेंस है। पैसा दे रहे हैं लोग बाग, ऐसी बात नहीं है, कॉपरेट वर्क वाले अच्छा पैसा दे रहे हैं, बट दे किसको, वो पूरा जज करते हैं, उसके बाद वो उस पर ध्यान देते हैं। बॉडी बिल्डिंग में इंडिया का फ्यूचर क्या दिखते हैं आप? बॉडी बिल्डिंग में इंडिया का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है,
काफी क्या बहुत अच्छा है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से चले और किसी की गाइडलाइंस में चले और अपने आप को अच्छे से प्रमोट करें तो आप नाम भी कर सकते हैं और अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की ओर से एफर्ट्स, गवर्नमेंट के ओर से एफर्ट्स, गवर्नमेंट रेलवे में जॉब प्रोवाइड कराता है और वो एक फेडरेशन, उनकी फेडरेशन अलग है, IBBF है, सिर्फ वहीं अगर आप वहाँ से खेलेंगे तो आपके पास जॉब के ऑप्शंस हैं, अदरवाइज फेडरेशंस बहुत हैं। यू नो डैट कि दिल्ली में बहुत फेडरेशंस बन गई हैं, मिनिमम 6 से 7 हर रोज नई फेडरेशन खड़े होते हैं, बट जो नामी फेडरेशन है वो दो ही हैं, IBBF एंड IFBB। मैं IBBF में नहीं जाता क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी, मैं IFBB में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा ड्रीम है। वहां से आगे निकलना। हाँ आगे तो वो तो लास्ट स्टेज है, बट मेरा ड्रीम वो है और मुझे अगर जॉब मिल भी रही होगी तो भी मैं उसको स्किप कर दूंगा, मैं अपने ड्रीम की तरफ ही जाऊंगा। मैं थोड़ा सा अपने ड्रीम को पहले देखता हूँ। अब घर वाले समझ चुके हैं कि आपका ड्रीम या तो यही करना है। हाँ घर वाले तो अब कहते हैं आप अच्छे से ही कर ले, पहले हाँ, शुरुआत में दिक्कतें आई। हाँ पहले कहते थे क्या जब देखो खाता रहता है हर 2 घंटे में प्लेट लेके बैठ जाता है, इवन घर में बच्चे बोल देते हैं कि भैया कितना खाते हो, हर थोड़ी देर में कह देते खाना दो खाना दो खाना दो, तो बट अब कहते कि नहीं नहीं अपना अच्छा ही खाना खाया कर, अपना प्रिपरेशन कर। उनको दिखता है, उनको प्राउड फील होता है जब 4 बंदे पूछते हैं उनको। 2012 में जब ये शुरू हुआ था, तब ये आपका अकेले का फैसला था कि मुझे ये करना है, और फिर सारे घर वालों को समझा पाना। घर वालों को तो समझाने के लिए मुझे इतना बोलना नहीं पड़ा क्योंकि मैं अपने घर में बड़ा हूँ, तो उनको लग रहा था कि जो करेगा सोच समझ के ही ये करेगा। एडवांटेज तो रही। हाँ तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम छोड़ दो इसे, उन्होंने ये कहा कि करो बट इसको शौक ही रखना, इसको करियर मत बनाना। बट मैं डिसाइड कर चुका था कि अब मुझे इसमें ही करियर बनाना है। जिम सिर्फ मैंने अपना इसलिए नहीं खोला कि मुझे मनी अर्न करना है, ये रीजन नहीं था, मुझे मजा आ रहा था उसमें, मैं बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था, तो मैंने उस चीज से उसको मैं उस काम को अपना पूरा कहते हैं ना जी जान लगा दिया, वो फिर इतना घुस गया उसके अंदर कि मैं सिर्फ मुझे वही दिखता, मुझे और कोई मुझे कोई गेम पसंद नहीं है। पहले मैं क्रिकेट देखता था, मैं कभी मेरे को क्रिकेट देखा भी 4-5 साल में कोई गेम नहीं देखता, सिर्फ अपना बॉडी बिल्डिंग, सोना खाना और फैमिली। क्योंकि आपका तो अब जिम भी है, तो उसमें जो इतने लोग आते हैं आपसे पूछते तो होंगे कि कैसे हो, या फिर सब बोलते होंगे आपके जैसा कैसा बना हाँ जाए। वो काफ़ी है, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं मेरे पास, आते हैं बोलते हैं सर आप तो हमारी इंस्पिरेशन हो, तो मुझे ही बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं तो ये बोलता हूँ अरे सर आप इतना बोल रहे हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बट आप मुझसे अच्छा कर सकते हैं तो करते हैं। मेरे जिम में ऐसे ऐसे क्लाइंट है जो ऐसे आए थे और बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गए, तो वो कहते हैं मेरे को, मैं कहते नहीं ये डेट्स योर हार्ड वर्क। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कल से करेंगे, कल से करेंगे, आज से शुरू करेंगे। बहुत बड़ा नहीं, सारा कुछ ही डिसिप्लिन है। आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ पे अगर 28 है, सपोज आज 20 आज 28 तारीख है, तो लोग कहते हैं 1 तारीख से ज्वाइन करेंगे, आज अगर फ्राइडे है तो लोग बोलेंगे हम मंडे से ज्वाइन करेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, मैं ऐसे काउंट नहीं करता आज मंडे, अगर मुझे पता है कि कल से मुझे प्रिपरेशन चालू करनी है और कल सैटरडे है तो मैं मंडे की वेट नहीं करूंगा, मैं कल से चालू कर दूंगा। और डिसिप्लिन मैं इस चीज़ को डिसिप्लिन को इससे नहीं ऐड करूँ जोड़ूंगा, डिसिप्लिन की डेफिनेशन मेरी मेरी नज़र में अलग है। लोग आते हैं कहते हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं, बहुत सारे हैं, तो मैं उनको सबसे पहले ये कहता हूँ अगर आपको रिजल्ट चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट टू रिजल्ट देन आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और डिसिप्लिन कभी भी जिम में फॉलो नहीं होता है, डिसिप्लिन हमेशा जिम से बाहर फॉलो होता है। जब आप डाइट पे हैं और आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे, आपने अगर कुछ भी खा लिया, पाव भाजी खा ली, छोले कुलचे छोले खा लिए, भटूरे के लिए तो तो हम आपका फेमस हैं डिसिप्लिन ही। टूट गया सिंपल। और आप अगर डिसिप्लिन में, तो आप अपना खाना अपने साथ कैरी करोगे, अगर आपको इफ यू फील हंग्री देन यू टेक योर फूड। ये जिस तरह से आपने तमाम चीजें बताई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यूथ में जिस तरह से वो ड्रैग होता है, ड्रग अब्यूज के इतने मामले सामने आते हैं, या फिर दिल्ली में तो खास कर से जो एक मनी और पावर का एक जो नशा सा दिखता है, वो लोग आपको भी अभी देख रहे होंगे, इम्प्रेशन ऐसे भी पड़ सकता है, ये कैसे समझाया जाए? देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ, देखिए जो ड्रग्स है स्टेरॉइड हम बोलते हैं, ये लोग यूज़ कर रहे हैं नो डाउट, और बॉडी बिल्डिंग इसके बिना पॉसिबल भी नहीं है, लेना पड़ता है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ले भी रहे हैं तो किसी अच्छे और नॉलेज वाले कोच के अंडर ये सब चीज़ें लीजिए ताकि आपकी बॉडी को नुकसान ना हो, और हर 3 मंथ्स में पूरा बॉडी चेकअप भी कराइए अपना, मैं यही बोलता हूँ। चाहे मेरा कोई पर्सनली क्लाइंट है, इवन मैं खुद हर 3 मंथ्स 4 मंथ्स में मेरा पूरा बॉडी चेकअप कराता हूँ, अगर मुझे कोई भी कमी दिखती है तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, पहले उसको ठीक करता हूँ, देन मैं अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन शुरू करता हूँ। आजकल लोग सस्ती चीज़ें यूज करते हैं जल्दी रिजल्ट लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अगर अब सपोज आपकी डाइट में आप 1 रोटी खाते हैं, मैं आपसे ही पूछता हूँ, और आपने 5 रोटी खा ली तो क्या होगा, आपको आपका पेट खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो सिंपल,
अगर कोई चीज जिस लिमिट में लेनी चाहिए ना वो उसको उतना ही लो, लेकिन हमारी यंग जनरेशन क्या करती है, उनको लगता है कि इतने से इतना रिजल्ट आ रहा है तो इतने से ज्यादा रिजल्ट आएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो हमारे इंटरनल बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को हार्म करता है, शॉर्टकट नुकसान पहुंचा सकता हाँ है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का क्रेज भी अगर बड़ा है तो उसमें वही बात है कि रिजल्ट लोगों को इतनी जल्दी चाहिए कि वो कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल, बहुत आप देखेंगे कि जो बॉडी बिल्डिंग में फूड सप्लीमेंट का अगर आप टर्नओवर का भी हिसाब लगाएंगे तो बहुत ऊपर जा चुका है स्केल्स का, क्योंकि इतना ज़्यादा बिक रहा है सब कुछ और हर इंसान को रिजल्ट चाहिए। वो आज के टाइम पे जब कोई बॉडी बिल्डिंग में जाता तो वो सीधे जाके यही बोलता है शॉप पे कि ऐसा कुछ बताओ कि जिससे मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए, मनी डजेंट मैटर, वो कितना भी पैसा देने को तैयार होते हैं, चाहे वो कहीं से भी अरेंज करे पैसा भी अरेंज हो जाता है। शरीर को नुकसान हो रहा है उसकी हाँ परवाह वो नहीं है। सर जो वो ये वो जब वो जान वो कभी वो सर्च ही नहीं करते उसके बारे में, ना ही सर्वे करते हैं कि इस चीज़ का मेरी मेरी बॉडी को हार्म क्या होने वाला है। मेरी मैं 36 37 के आसपास आ चुका हूँ, बट मैं कभी भी बिना कुछ जाने सोचे डिस्कस किए कभी भी कोई चीज़ नहीं लेता नहीं हूँ मैं। लेते। एंड में जो लोग आपको सुन रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि फिट हेल्दी, और हेल्दी मतलब फिट दिखने का यही नहीं होता कि आप ऊपर से ही हेल्दी दिख रहे हैं तो वही अच्छा है, मेंटली भी फिट होना चाहिए। अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो ऊपर से आप अच्छे दिख रहे हो तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, तो सबसे पहले आप मेंटली फिट रहिए, उसके बाद ऊपर से दिखने में भी फिट होने चाहिए, तो इस चीज़ का कॉम्बिनेशन वो कहते हैं ना अच्छा कॉम्बो है। अच्छा काम। और इसी नोट पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला, ढेर सारी बातें की। आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी थैंक यू शुभकामनाएं। सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आशीष दहिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।